बहुत ही अच्छा हमारे संबंध रहे अपने, और काफ़ी हिट दी हमने। अब जिस वक्त हम लोग सिनेमा कर रहे होते हैं या हम वहाँ पहुँचा करते हैं कि अब शूटिंग होगी शुरू, तब वहाँ तो पता नहीं होता कि ये सीन जो अभी शूट हो रहा है इसका क्या एक्चुअल रूप बाहर क्या निकलेगा। मतलब उसमें लोग क्या हद में से लोग पसंद करेंगे। बहुत ऊपर वाले ने कर्म किया वो होता है, तो फिर वो वर्क आगे निकलता है, कामयाब होता है। एंड वी ऑल शुड बी वेरी थैंकफुल अबाउट इट। देर इज़ नथिंग टू बोस्ट, देर इज नथिंग टू आस्क मोर देन दिस। एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द गॉड दैट ही ऊपर वाले ने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम उस मुकाम पे पहुँचे। शुड बी वेरी थैंकफुल। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑल दोज हु स्टूड बाय मी, हु गेव मी देयर बेस्ट दे कुड। थैंक यू सो मच। एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल। थैंक्स अ लॉट। वो बहुत ही अच्छे सब जो लिख के भेजा करते थे मुझे, और वो सेंड करते थे रिकॉर्ड करके। दैट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम। एंड आई हैज टू डू इट, तो कहे कि मुझे कि तुम कर सकते हो, तुम में वो है तमीज़ और अदब कि तुम बड़ों की इज्जत करते हो, कभी बद अखलाक ही नहीं है। और जितना टाइम है, क्योंकि हमारे पास में पार्टीज का, ड्रिंक का और इसका सब टाइम वाइम होता नहीं था, और हम लोगों की नेचर ऐसी थी कि हम लोग एक टाइम अपने घर घुसे तो अरे 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 सब पूरा घर परिवार देख लिया। विच टू हार्डली गेट अ टाइम। सो वी वर नेवर सोशल। इट नेवर हैपन इन आवर बेस्ट डेज कि हमने एक दूसरे को फ़ोन किया हो या कहा हो कि आइए मिले, पार्टी करें, लाइफ में क्या हो रहा है ये देखें। ये कभी नहीं मौका लगा। लेकिन जो हम काम करते समय जो हम लोग की ईमानदारी थी, वो उसमें कहीं से भी कोताही नहीं थी, तकलीफ नहीं थी। जो ऊपर वाले ने हमें दिया वी डिड इट। दैट वॉज सो नाइस, दैट वॉज सो नाइस। मुझे जो लोग ईमानदार होते हैं और आपके जो मिला है उसमें कमाल कर देते हैं, लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती ऐसे लोगों की तारीफ। जो सीन चला दीजिए, जो सीन चला दीजिए, मुझे लगता है कि अच्छा ही लगेगा। वो बच्चे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर कॉमेंट नहीं दूंगा। इज अ किड, मुझे पता लगा। वो